जैसा कि आप सभी जानते हैं साथियों, 6 चरणों के चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। अब मात्र एक चरण बचा हुआ है। 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है, जिसमें विशेष तौर पर जो राज्य हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, कहीं एक सीट पे, कहीं दो सीट पे, कहीं 7 पे, कहीं 8 पे, कुल मिलाकर 57 सीटों पर अभी चुनाव बाकी है। और आज मैं लाइव इसलिए आया हूं क्योंकि जो पंजाब के लोग केजरीवाल ने बेवकूफ बनाए, उन लोगों को 1 तारीख ने केजरीवाल को जवाब देना है। केजरीवाल जी 1 तारीख के तक बाहर है, 2 तारीख को उन्होंने उसी तिहाड़ जेल में फिर से फिट हो जाना है। वो एक इंटरिम जमानत पे बाहर है 1 तारीख के बाद, 2 तारीख की उनकी विदाई वहीं पे है। और बहुत सारे नेता और उसी जेल के अंदर सड़ने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश का पैसा लूटा है, नरेंद्र मोदी जी उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। अब केजरीवाल हर स्टेज पर बोल रहे हैं कि मेरे पीछे ईडी लगा दी, ईडी लगा दी। इस देश की मूर्ख जनता को आज तक ईडी की फुल फॉर्मेशन क्या होती है यह भी नहीं पता। ईडी है क्या? ईडी एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र तरीके से काम करती है। केजरीवाल ने पता था कि तू झूठा है, कितने नोटिस जाने के बावजूद भी उनके सामने प्रस्तुत नहीं हुए। लास्ट में कोर्ट, क्योंकि वो खुद जेल जाना चाहते थे, वो चाहते थे कि मैं जेल जाऊंगा और मैं पॉपुलर हो जाऊंगा, लोगों की संपत्ति मेरे साथ जुड़ेगी। 2200 करोड़ रुपए का घोटाला ईडी ने पकड़ा, मीडिया ने नोट दिखाए, हम सभी ने देखे। फिर भी अगर हम केजरीवाल की बात पे भरोसा करते हैं तो हमसे मूर्ख इंसान कौन है? वो जानबूझकर, उन्हें भी पता है, वो भी ऑफिसर रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं, उन्हें पता है ईडी क्या होता है। नोटिस को इग्नोर करना, इग्नोर करना ताकि मैं जेल में चला जाऊं, जेल में जाऊंगा, लोगों की संपत्ति बनेगी, लोग मेरी तरफ आकर्षित होंगे, लोग मोदी जी को गाली बकेंगे। मोदी जी को कोई गाली नहीं बकरा, मोदी जी एक ऐसी मां ने पैदा किया है जिस मां ने लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया है। उनको आप हराओगे, आप में ताकत है, आप हरा दोगे 57 सीटों पर। और विशेषकर मैं पंजाब की जनता से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपको गुमराह करके, झूठ बोल के आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, अब समय है, अब भी सुधर जाओ। केजरीवाल के कारनामे, केजरीवाल को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में समझा जाता था, लेकिन शराब घोटाले में केजरीवाल कैसे फंसे? अब कहते मोदी जी ने जबरदस्ती फंसा दिए, नहीं। आप लोग तो जो ब्यूरोक्रेट्स है देश का, उसको बदनाम करने पे तुले हुए हैं। वो बेकूफ नहीं है। आपका एक वीडियो केजरीवाल जी से कह रहे हो, मैं आप सुनना ध्यान से,
एक वीडियो वायरल हुआ कि हम तो दिल्ली के राजा हैं। आप समझ में आई? आप कौन सी जेल में हैं? 2 तारीख को पुणे वहीं पे जाके बैठ जाना और अपने गुरु के साथ आपने धोखा किया, अन्ना हजारे के साथ आपने धोखा किया। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते 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 खुद करप्ट बन गए, खुद भ्रष्टाचार की लाइन में आ गए। अन्ना हजारे भी आज आपसे कितनी नफरत करते हैं। सोशल मीडिया पे अन्ना हजारे की वीडियो वायरल है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक ही विजन है कि मैं ना ही आप झुका के बात करूंगा, ना ही आप उठा के बात करूंगा, बात करूंगा तो आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। और जो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आंख डाल के बात करता है वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का फैन हो जाता है। ऐसी क्या खूबी है? एक वो भी जमाना था कि नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बैन था कि अमेरिका नहीं जा सकते। आज अमेरिका मोदी जी का कितना दीवाना है। नरेंद्र मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी पूरी दुनिया जानती है। पहले क्या फॉरेन पॉलिसी थी और आज हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में किस तरीके से लिया जाता है। इन लोगों ने जो विपक्षी ओपोजिशन पार्टीज है इन्होंने क्या नाम दिया? इंडिया, इंडी गठबंधन। और मोदी जी ने क्या कहा? इंडिया इज ए सिंबल ऑफ स्लेवरी। ये शब्द हमें गुलामी सिखाता है क्योंकि यह हमारा शब्द नहीं है। एक बार 4 जून को नतीजे आने दो, ये इंडिया शब्द संविधान से ही हट जाएगा और वहां पे नाम होगा ओनली भारत। भारत माता की। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में अपने जो 57 सीटें बची हुई है, 57 सीटें नहीं, बात सीटों की नहीं है, सरकार तो अब भी बन चुकी है क्योंकि मैंने तो आज दिन में ही घोषणा कर दी थी कि 400 पार हो चुके हैं। हालांकि सरकार तो 272 सीटों में बन जाती है। हमें पूर्ण तरीके से वही राम राज्य चाहिए जो महात्मा गांधी ने कल्पना की थी। और ये लोग जो झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी को चलाते हैं, ये ना ही तो गांधी ना ही नेहरू, इन लोगों ने हमारे जैसे लोगों को गुमराह किया, हमें सदियों तक गरीब रखा। अगर कोई नेता आया है, भारत माता ने पैदा किया है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। और आज पूरी की पूरी गरीब जनता मोदी जी का समर्थन में खड़ी है, उनके लिए जान देने के लिए तैयार है। इन्हीं बातों के साथ साथियों जय हिंद भारत।